हेलो स्टूडेंट्स आई अमृता इंदौलिया योर नीट केमिस्ट्री मेंटर और स्टूडेंट्स आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वेरी ही फेवरेट पार्ट जो कि क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट और मुझे पता है होल ओवर द चैप्टर के बाद आप इसी चीज का वेट करते हैं कि कब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे आपके साथ तो चलिए हम लोग ऑलरेडी आपके साथ इस चैप्टर के रिगार्डिंग लाइक इन द केमिकल बॉन्डिंग मैं शायद तीन से चार पार्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं इस सेशन में फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूं so, and pan, and bottle, bottle. So, one, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे सो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड क्या पूछा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पाए बॉन्ड नहीं पाया जाएगा तो चलिए सबसे पहले अगर हम इन चारों मॉलिक्यूल्स को देखें जो आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हैं तो आप सीधे सीधे ही यहाँ पर अज्यूम कर पा रहे हैं कि सबके बीच में आपको डबल बॉन्डिंग देखने को मिलती है सबके बीच में यानी कि SO2, NO2 टू एंड सी लेकिन H2O के केस में आपको पता है अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करती हूँ क्या कह रही हूं आपसे H2 आप इसका अगर स्ट्रक्चर इस ड्रॉ करते हैं तो आप कहते हैं दे आर सिंगली बॉन्डेड अलॉन्ग विद टू लोन पेयर्स तो कहाँ यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा सो योर आंसर इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इनमें से वो मॉलिक्यूल कौन सा है जिसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता है सो so यहां हमें पता है यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग पाई जाती है H2O मॉलिक्यूल के अंदर सो द आंसर इज H2O. टू क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हाँ जी ये तो बहुत ही बड़ा हो गया चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं ठीक है आइए होप इट इज विजिबल टू यू ऑल आई होप यस इट इज चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अब अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो हमें करेक्ट इनकरेक्ट में तो कोई टेंशन होना ही नहीं है चलिए इन्होंने कहा विच इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फाइन फॉर्मड बिटवीन टू कार्बन एटम्स सी फर्स्ट यू हैव टू लुक आउट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं इन्होंने क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो दो कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में और सिग्मा और पाए बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में गलत है बात समझ में आई तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉगर एकदम करेक्ट है और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिग्मा बॉन्डिंग मच देन तो ये तो सही है सेकंड पढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टू हंड्रेड सिक्स फोर किलो जूल मोल एंड 347 फोर्टी सेवन किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली यहां आपसे क्या कहा गया है देखिए एनर्जीज़ सही है 264 सिक्सटी फोर एंड थ्री फोर्टी सेवन किलोजूल पर मोल दैट इज ओके बट यहाँ इन्होंने जो मैंशन किया है वो गलत किया है बात समझ पा रहे हैं इन्होंने एनर्जी सही दी है लेकिन इन्होंने सिग्मा वाली पाई के रिस्पेक्ट में दी है और पाई वाली सिग्मा के रिस्पेक्ट में दी है एक्चुअली द करेक्ट एनर्जी फॉर सिग्मा बॉन्डिंग it is nearly about 347 kJ per mole clear and for the pi bonding it is nearly about 264 kJ per mole जबकि इन्होंने यहाँ आपको किस फेज में दी है सिग्मा की 264 सिक्सटी फोर मैंशन की है एंड पाई की आपको 347 फोर्टी सेवन मैंशन की है सो so, आपको बस यहाँ पर यही पिक करना है एंड फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आपसे इनकरेक्ट आंसर इन्होंने चाहा है और इनकरेक्ट आप बता पा रहे हैं क्योंकि आपको तो करेक्ट आंसर पता है एंड हेयर इट इज़ सो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है लेकिन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है एज दे आस्किंग अबाउट वॉट द इनकरेक्ट वन क्लियर चलिए बात समझ में आ गई कितनी एनर्जी होती है इन द केस ऑफ सिग्मा इट इज थ्री फोर्टी सेवन आई मैं इज थ्री फोर्टी सेवन किलो जूल पर मोल एंड फॉर द पाए बॉन्डिंग इट इज नियरली अबाउट टू हंड्रेड सिक्सटी फोर किलो जूल पर मोल क्लियर है यहां तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मेन एक्सेज फर्स्टली तो आप टर्म्स को लीजिए देखो हमें क्वेश्चन में सिर्फ यूं ही भागना नहीं है आपको एक एक वर्ड को पिन पॉइंट करना है मेन एक्सिस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ओके डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की गई है इज जेड फाइन मॉलिकुलर ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स तो यहां आपसे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इन्होंने पूछा है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल दिस इज उसकी मेन एक्सेस में अगर पी एक्स और पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसके अंदर किस टाइप का ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा एंड किस टाइप की बॉन्डिंग होगी ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चलिए अपन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले अब आपको पता है मैं बताते है, आपको काफी बार मैंने ये बताया है कि हम तीन एक्सेस पर डिनोशन लेते हैं एक्स वाई एंड जेड यही कहा है अब इन्होंने आपसे कहा है पी एक्स एंड पी वाई का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ये लीजिए मैंने पी एक्स में एक ऑर्बिटल बनाया एंड अनादर इज एट पी वाई यही बात की गई है चलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखना है तो पहले आपने कहा एक ये रहा आपका पी एक्स और यहां इसकी मिक्सिंग हो रही है पी वाई के साथ ये लीजिए तो इससे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन किसका होगा ये आपको यहाँ बताना है तो आप यहाँ पर कहेंगे इस दौरान जो फॉर्मेशन होगा वो होगा पाय बॉन्डिंग का आई सेट यहाँ बॉन्डिंग जो होगी दैट इज पाय बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्योंकि यहाँ आपको क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है तो ऑप्शन में देख लीजिए कहां आपका पाए बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल गिवन है इन द ऑप्शन में आ गई अच्छे से होपफुली चलिए क्योंकि यहां सिर्फ किस टाइप का ओवरलैप पॉसिबल है साइडवाइज ओवरलैपिंग ठीक है चलिए कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है हमने बड़े इजीली पिक कर लिया अब हमें क्या करना है ना देखो मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहती हूं जब कभी भी हम प्रैक्टिस से डिस्कस करते हैं कि हमें क्वेश्चन के एक एक वर्ड को पकड़ना है उस वर्ड से ही आपको आंसर मिलता है इट इज नॉट लाइक कि हमारा रटी हुई चीजें हर जगह काम आएंगी आपको कंसेप्चुअल होना पड़ेगा बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अलॉन्ग विद क्वेश्चन ठीक है सो so चलिए आपसे मैंने कहा यहाँ पी और पी के बीच में आपने ओवरलैपिंग कराई है तो किस टाइप का ऑर्बिटल बनेगा मॉलिकुलर तो बनेगा दैट इज ओके क्योंकि एटोमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा लेकिन यहां उसने पूछा है बॉन्डिंग किस टाइप की होगी और कैसा मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा तो आप कहेंगे पाए बॉन्डिंग की वजह से यहां पाए मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जनरेशन होगा एंड द ओवरलैपिंग हेयर इज ओनली साइड वाइज ओवरलैपिंग क्लियर है यहां तक बात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो दो टर्म्स हैं यहाँ पर और लास्ट पार्ट में भी मैंने इसी रिगार्डिंग आइसो सो स्ट्रक्चरल और आईसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया एंड हो फुली यू नो ऑल द थिंग्स आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स जिनके आई स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज सिमिलर हों और आईसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनकी कॉन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हों तो यहाँ आपको वो दो एलिमेंट्स पिक करने हैं और लास्ट टाइम ही हमने ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर किया है ठीक है यहाँ आप ऑलरेडी देखेंगे तीन फ्लोर है नहीं यहाँ दो फ्लोर है नहीं ये होगा नहीं नन ऑफ दीज वैसे नहीं हो सकता इसके केस में आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है टेलिरियम के पास I2 के साथ कनेक्टिविटी है ठीक है इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है इसके पास कम है बॉन्डिंग में आप देखेंगे नहीं होगा ये जो है IBr2- बी आर टू माइनस एंड एक्जी ये दोनों कैसे करते हैं दोनों ही आई सो एंड आई सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेषीज़ हैं ठीक चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेज है प्लेनर ट्राइंगुलर शेप अब आपको प्लेनर ट्राइंगर शेप का स्ट्रक्चर इनके बीच में से फाइंड आउट करना है चलो तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे प्लेनर ट्राइंगुलर के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सोच लो ना कि किस हाइब्रिडाइजेशन में किस टाइप का स्ट्रक्चर आता था तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जो एस पी थ्री टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होता था एस पी थ्री में हम यही कहते थे ट्राइंगुलर प्लेनर या प्लेनर ट्राइंगुलर कुछ भी बोल दो बातें की है ठीक है तो अब मेरे को यह भी दिख रहा है कि जो एनओ थ्री माइनस है दिस इसके अंदर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको ये तो मिल गया आंसर चलो एक बार स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं सो so दैट आपका कंफ्यूजन पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा लीजिए यह बना दिया मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको पता है इसके पास अभी लोन पेयर है अलॉन्ग नेगेटिव यहां कितने लोन पेयर्स अवेलेबल हैं सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं और यहां वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है तो आपने स्ट्रक्चर भी बना लिया आपको दिख रहा है कि दिस इज सिंपल प्लेनर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी थ्री इन द केस ऑफ एन ओ थ्री माइनस ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सई एफ टू इज आइसो स्ट्रक्चरल विद एक्ट टू जैसा है, और किसका स्ट्रक्चर हो सकता है तो सबसे पहले क्या एक्स एफ टू का स्ट्रक्चर बना के देख लें एक बार चलो एक्ट मुझे जहां तक याद है होपफुली एंड आपको भी याद होगा हमने कहा था कि एक्स एफ टू के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है होता है या नहीं और लोन पेयर्स कितने होते हैं इसके पास अभी भी इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो आपने कहा sp3d और स्ट्रक्चर क्या है लीनियर यही कह रहे हो आप ठीक है अब इससे रिजेंबल जो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर वो आपको यहां पर पिक करना है तो आप क्लियरली कहेंगे दिस इज इट कैसे ये लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना ठीक कोई है ही नहीं दिक्कत आपको यहां तक और इस क्योंकि इसकी भी सेम हाइब्रिडाइजेशन है sp3d थ्री डी एंड लीनियर बात समझ में आ गई आंसर क्या होगा दिस चलो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक पोलर मॉलिक्यूल है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर ऐसा फोर का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप कह देंगे ये सिलिकन, ये हो गया ठीक है एक्जी एफ फोर का बनाओ तो आप कहेंगे एक्जी एफ फोर का स्ट्रक्चर तो कैसे बनाते थे सब भूल जाओ तुम बी एफ थ्री और जो ये है एस एफ फोर <coughs> कहा बनाऊ जगह यहां बना देते हैं चलो एस एफ फोर का कैसे बनाओगे सॉरी मेंशन क्यों कर रही हो एस एफ फोर का बनाते हैं कितने लोन पेयर तो मुझे ये बताओ पोलर मॉलिक्यूल आपसे पूछा गया है यहां कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं चार है ये मेरे हाथ के साथ सॉरी फोर पेयर एंड वन लोन पेयर और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लूँ तो आपने कह दिया मैम इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d थ्री डी और डायपोल मोमेंट क्या है जीरो नहीं है बात समझ में आई सो so, आप कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है ये जनाब सबके रिस्पेक्ट में आपको पता है लोन पेयर्स की अवेबिलिटी भी प्लस अलॉन्ग हाइब्रिडाइजेशन भी ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम हैज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर थ्री क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशज सेंट्रल एटम हैज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ नॉट द सेम एज द प्रेजेंट इन द अदर थ्री कि अब आप आपको ये तो इसने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर किन्नी तीन की तो एक हाइब्रिडाइजेशन है और किसी एक का डिफरेंट है तो आपको वो डिफरेंट वाला ही चूज़ करना है चलो वन टू वन हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं एस एफ फोर के केस में अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपने कहा मैम एस पी थ्री डी फटाफट फटाफट निकाल ली होंगी अब तक तो नोटबुक पर आपने वेरी नाइस nice. इसकी भी कैसी होती है एस पी थ्री डी एस बी सी एल फाइव टू माइनस यहां हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है बताया था एस पी थ्री डी सो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये लीजिए एस पी थ्री डी टू क्लियर कोई दिक्कत नहीं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लिया करो अगर कंफ्यूजन होता है हैंड टू हैंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया फटाफट फटाफट बनाया कोई टेंशन ही नहीं है चलो नेक्स्ट फॉलोइंग मॉलिकूल्स द सेंट्रल एटम डेव एस पी sp3 हाइब्रेडाइजेशन किन में से कौन सा एक मॉलिक्यूल है जिसमें नहीं है तो आपको अब वो पिक करना है तो फिर से मैं कहती हूँ कि सबसे पहले फटाफट -फड़ चारों के स्ट्रक्चर बना के हाइब्रिडाइजेशन निकालू मैं बोर्ड पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगी इतने में तुम्हारी नोटबुक्स पे स्ट्रक्चर हो जाने चाहिए प्रैक्टिस तुम्हारा करना मस्ट है मुझे तो पता है और तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ सारे स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं फटाफट से चलो लिख दो फटाफट लिखते जाओ चलो एस इसकी भी है इसकी एस नहीं है ये निकालो तुम क्या होगी ये एस ये भी एस इतनी देर नहीं लगनी चाहिए इतनी देर में तो फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाल दी मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें एस एफ फोर के रेस्पेक्ट में पूछा है एस इधर दो लोन पे एस पी थ्री डी ये लो कर दिया मैंने क्या सेम आ रही है सबकी हम्म सही आ रही है अरे वाह बहुत बढ़िया बस यही चीज अच्छी लगती है कि अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ मैच कर गया तो वहां तो कोई रोकने वाला है ही नहीं आपको ठीक है रिमेनिंग थ्री की क्या है एस थ्री देखो मैं फिर आपसे एक चीज कहूंगी बीच में रुक के पहले मैं एक बार फिर से कहूँगी डू प्रैक्टिस फॉर इट दिस सेशन

कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशीज ठीक है भाई कौन कौन सी स्पेशीज़ हैं सी एन प्लस सी एन एन ओ एंड सी एन माइनस ये चार स्पेशीज की बात हो रही है इनमें से कौन सा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाइएस्ट होगा अब देखिए क्वेश्चन आया है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर और आपको बताना है इन चारों स्पेशीज में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा तो चलो आपको पता है एन के केस में क्या है नंबर 15 है अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो आपने कहा 10 माइनस पाँच बाय दो हाँ सॉल्व करना तो अब होपफुली गया होगा तुम्हें ये भी नहीं आता अरे वही तो था एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग ये फाइव है सॉरी मेरा फाइव थोड़ा सा ऐसे ही होता है ठीक है सी एन माइनस के केस में निकालो कितने होंगे जल्दी बता दो फोर्टीन कितने पेयर्स होंगे इसके पास टेन माइनस फोर बाय टू क्या आएगा रिजल्टेंट और इधर थर्टीन कितना आ जाएगा सॉल्व कर दो टू पॉइंट फाइव ठीक है अभी आपसे पूछा क्या है हाईएस्ट ये दिख रहा क्लियर है बॉन्ड ऑर्डर निकाला या नहीं निकाला तुम लोगों ने मेरे साथ साथ या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास चल रहा था कि हाँ मैम निकालेंगे हम कॉपी में लिख लेंगे है ना यही तो करना है हमें मैम निकालेंगे हम कॉपी में लिख लेंगे खुद से प्रैक्टिस तो हमें करनी नहीं है क्योंकि जब वहाँ प्रैक्ट क्वेश्चन आएंगे ना नीट में जब हम बैठे होंगे एग्जाम देने तो वहाँ मैम खुद आएंगी हमारी कॉपीज में लिखने या फिर और कोई सर आ जाएंगे कोई कॉपी में लिखने डू प्रैक्टिस चलो सॉल्व किया आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर अब उनको चूज़ करना है जिनका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सिमिलर है मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगी अभी बॉन्ड ऑर्डर वाला ये देखो प्रीवियस एग्जाम्पल बताया है सॉल्व करो पेयर ढूंढो बात आ रही है समझ में सॉल्व करो बैठ के इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछ लूँ मैं तुमसे किसी भी रिस्पेक्ट में मैं पूछ सकती हूँ फटाफट फटाफट निकाल दो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ सॉल्व तुम करोगे ओ टू के लिए कितना होगा और एन ओ प्लस के लिए कितना होगा हाँ मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ सॉल्व तुम करोगे इसका थ्री इसका टू तो ये तो सिमिलर होगा नहीं आपसे पूछा गया सेम के रिस्पेक्ट में इन दोनों का बॉन्ड तो क्या आएगा थ्री इसका भी थ्री सी एन माइनस का और इसका भी थ्री ठीक है एन टू और ओ टू माइनस अगर मैं तुमसे पूछ लू तो आपने इसका तो कहा थ्री एन टू का तो ठीक है और ओ टू माइनस का कितना है अभी नहीं निकाला था, था थोड़ी देर पहले वन पॉइंट फाइव और यहां अगर पूछ लिया जाए तो तुमसे तुम्हें पता है एनओ के रिस्पेक्ट में कितना है थ्री पॉइंट फाइव तो आपसे पूछा है किसका सिमिलर है तो ये देखो ये रे इन दोनों के रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कितना है थ्री ठीक है और निकालना भी आता है इसी का निकालूंगी मैं सारे नहीं निकालूंगी तुमको क्योंकि तुम क्या करोगे फिर बैठ के टेन टेन कहाँ से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फिर भूल गए ना ये लो So, ये है तुम्हारा आंसर सारे बैठ के करके देखना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा मैग्नेटिक बहुत बढ़िया पैरामैग्नेटिक तुमको पता है सारी चीजें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चलो जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास है बताओ बताओ कितने इसके पास सत्रह किसकी तरह करता है सुपर ऑक्साइड की तरह सी एन माइनस के केस में कितने थे अभी निकाला भी था ना बॉन्ड ऑर्डर सब भूल जाया करो फोर्टीन एन ओ प्लस के रिस्पेक्ट में कितने थे नहीं बताती सी ओ के रिस्पेक्ट में कितने थे हुँ. भूल जाओ ना सब भूल जाओ एन ओ प्लस है ठीक है एनओ no माइनस में जब तुम क्या कह रहे थे पंद्रह तो एन NO ओ में कितने हो गए एन ओ माइनस में थे पंद्रह एक ऐड किया तो एन ओ में कितने रह गए चौदह और एन ओ प्लस यानी कि एक और कम कर दो तो थर्टीन सी ओ में कितने थे नहीं बताऊंगी इसके पास सेवेंटीन सब मैं देखते जाओ बिल्कुल बताना ही नहीं तुमको तुमने खुद से मेहनत कुछ करना ही नहीं है सब छोड़ छाड़ के बैठो निकालना ही ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसका निकालो आंसर नहीं है ये ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इसका आंसर निकालोगे चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता लिथियम सी टू टू ओ टू टू ओ टू टू नहीं ओ टू ये चार्जेस के साथ है ठीक है हीलियम टू अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का देखो फर्स्ट ऑप्शन में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है जीरो इस वजह से इस वजह से ये क्या है एग्जिस्ट ही नहीं करता बात समझ में आ गई क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो पूछोगे कैसे तो ये लो. ठीक है निकाल दिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डायटेमिक मॉलिकुलर स्पेशीज हैज ऑनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इनमें से कौन सी वो डायटमिक स्पेश है जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्डिंग ही पाई जाती है उसके अलावा और कुछ नहीं पाया जाता तो आप मुझे फटाफट से बता दो अगर मैं बेरिलियम के अंदर कहूँ तो आपने कहा आठ O2 के रिस्पेक्ट में मैं अगर आपसे पूछू तो आप कह देंगे फटाफट से आठ एक ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन के आठ सोलह N2 के लिए फोर्टीन और कार्बन के लिए कहोगे तो कितने हो जाएंगे बारह ओके गए अब जब बारह हो गए तो आप मुझे एक चीज बताओ ना इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स होंगे दो पाई बॉन्ड यही तो पूछा इसने और पूछा क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड पाए जाते हैं दैट इज सी ठीक है चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है इन चारों के रिस्पेक्ट में ओ टू ओ टू माइनस ओ टू प्लस ओ टू टू माइनस अब अगर इसका भी पता है तो निकाल लोगे चलो ओ टू में कितने हैं सोलह ओ टू माइनस एक बढ़ा दूं? सत्रह ओ टू प्लस एक कम कर दूँ पंद्रह ओ टू टू माइनस यानी कि दो बढ़ा दूँ जब ओ टू माइनस पर सत्रह था तो इसके ऊपर हो गया अट्ठारह यही होगा ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को सेट कर लो तो सबसे ज्यादा क्या होगा ये देखो ओ टू प्लस डिक्रीजिंग पूछा है आपसे ये देख के चलो ओ टू प्लस देन ओ टू देन ओ टू माइनस देन ये लो मिल गया कोई दिक्कत नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना ये लीजिए चले चलो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वन पॉइंट फाइव इज शोन बाय इनमें से किसका और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा देखो चलो ये लिख रहे हैं 16, 17, 15, 18 बॉन्ड ऑर्डर निकालो फटाफट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली तुम सॉल्व करो किसका था देखो सॉल्व कर लो इसको फटाफट से आंसर बता दे रही हूँ तीनों के अभी निकाले हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम बॉन्ड लेंथ मिनिमम बॉन्ड लेंथ ये नहीं है देखो सेम टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मेरे को करवाना देखो फिर से आ गया अब बॉन्ड लेंथ पूछी है अगर यहाँ पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट आपसे क्या पूछा है मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछी है अगर आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के और बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के ठीक है तो चूज कर लो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना अभी निकाले हैं सारे की सारे वैल्यूज़ मैंने दी हैं एक कबूतर का बॉर्डर तीनों क्वेश्चन एक दूसरे को रिलेटेबल हैं हिंट लिख दी पूरा पॉइंट बता दिया सॉल्व करो चलो नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखो जो कॉन्सेप्ट से अलग है वो मैं बिल्कुल डिस्कस कर रही हूं वो तीनों एक दूसरे के सिमिलर हैं एक मैंने बता दिया दूसरे में दूसरे तरीके से पूछा है तीसरे में तीसरे तरीके से आंसर का पूरा हिंट बता दिया सिर्फ तुम्हें फिर भी नहीं निकल रहा है तो अब तुम सोच लो तुम कितने ड्रॉबैक में हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है इंट्रामोलिकुलर पूछा है आपको पता है इंट्रामोलिकुलर क्या होता है विद इन अ मोलिक्यूल तो आप यहाँ पर कहेंगे ये जो सेल्युलस बाबा है ना टू द पॉइंट क्वेश्चन है स्ट्रेट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो सेलुलोज बाबा है क्योंकि क्या होता है इंट्रामोलिकुलर के अंदर इन बिटवीन अ मोलिक्यूल बॉन्डिंग होती है नेक्स्ट यहाँ तक बात समझ में आ गई सारा पॉइंट क्लियर है चलिए अब देखो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ तीन से चार डिस्कस कर लिए हैं बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयरस भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है आपको देखो मैंने मेजर कंजम्शन बता दिया कि कितने तरीके के क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से पिक होते हैं सो so, अब आपके ऊपर है सारा फोकस प्लीज लर्न इट वेल नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अलॉन्ग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट till then please revise the all things thank you so much students